सो देखो बेटा, लास्ट लेक्चर के विच आपां डिस्कस कर रहे सी एम्पीयर्स सर्क्यूटल लॉ ते उस दे रिलेटेड असी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की सी बेटा यूजिंग एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ फॉर ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। और फिर बेटा जो कल लास्ट टॉपिक आपां जिथे लेक्चर खत्म किया सी वो सी रिगार्डिंग सोलेनॉइड। तो जदों बेटा मैं थानू सोलेनॉइड बारे दस रहा सी तो थानू मैं दस्या सी कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ सोलेनॉइड की है, जस्ट लाइक स्प्रिंग है ना, जिदा स्प्रिंग हुंदा हेलिक्स हुंदा वा। बस ये है कि जो सोलेनॉइड है ना उहदी जिहड़ी फिजिकल अपीयरेंस जस्ट लाइक स्प्रिंग है, हेलिक्स है, बट वो जिस वायर की बनी है ना वो कंडक्टिंग वायर है। और जो बेटा कंडक्टिंग वायर दे थ्रू करंट पास होता तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता। और जोड़ा सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता तो जो मैं वर्ड यूज करना ना सोलेनॉइड वह मतलब असी लें आइडियल सोलेनॉइड। तो आइडियल सोलेनॉइड के केस बेटा जो मैगनैटिक फील्ड पैदा होता वो यूनिफॉर्म मैगनैटिक फील्ड है और उसकी डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, तो एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड के अलोंग। हुण जदों असी गल करते हैं सोलेनॉइड की तो आइडियल सोलेनॉइड के केस बेटा जो आउटसाइड मैगनैटिक फील्ड है वो जीरो होता। आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होएगा फॉर एन आइडियल सोलेनॉइड। हुण आज जो बेटा आपका टॉपिक स्टार्ट करना वो की है कि सानू ये तो पता लग चुका कि जो आइडियल सोलेनॉइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, बट उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड जो है विद इन द सोलेनॉइड वो असी फाइंड आउट करना। तो आज बेटा आपां हैडिंग जो बनना वा साडा वो है मैग्नेटिक फील्ड विद इन ए सोलेनॉइड। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो भी प्लस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो भी। तो मैग्नेटिक फील्ड विद इन ए सोलेनॉइड, हम सब तो पहला आप की करांगे बेटा, सब तो पहला असी जो सोलेनॉइड है वो ड्रॉ करांगे है ना। और ये गल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि साढ़े सिलेबस के विच जो सोलेनॉइड है ना वो आइडियल सोलेनॉइड है। तो इस करके जो असी कला वर्ड सोलेनॉइड भी बोलते हैं तो वो अंडरस्टूड है कि आइडियल सोलेनॉइड की ही गल हो रही है। और ये गल भी मैं थोड़ा लास्ट लैक्चर से समझा चुका वा कि जी रियल सोलेनॉइड है वो भी बेटा प्रैक्टिकली आइडियल सोलेनॉइड की तरफ तरह बिहेव करेगी। कदों करेगी? जदों उस रियल सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो उस रियल सोलेनॉइड के डायामीटर के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होएगी, काफ़ी ज़्यादा होएगी। तो इन पॉइंट्स नू दिमाग रख के असी हुण सब तो पहला डायग्राम ड्रॉ करांगे फॉर आइडियल सोलेनॉइड बेटा। आइडियल सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो हो रहा है बेटा आई, और जितना ही सोलेनॉइड करंट फ्लो होएगा विद इन द सोलेनॉइड, विद इन द सोलेनॉइड का मतलब उसकी टर्न्स के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कहते अलोंग है बेटा
इस सोलिनॉइड के अंदर मैगनैटिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो बेटा असी पॉइंट पी सिलेक्ट कर लिया, जिहड़ा तुसी पॉइंट पी सिलेक्ट किया है ना सोलिनॉइड के अंदर, तो इतने आपां एक्सप्रेशन फॉर मैगनैटिक फील्ड फाइंड आउट करना यूजिंग एम्पीयर्स सर्क्यूटर लॉ। तो जिहड़ा लॉ यूज करना वह बायो सेवर्ट्स लॉ नहीं है बेटा, वह एम्पीयर्स सर्क्यूटर लॉ है। हुण तुहानू याद आना चाहिए कि जिहड़ा बेटा एम्पीयर सर्क्यूटर लॉ है, जदों भी तुसी एम्पीयर सर्क्यूटर लॉ की हैल्प के नाल मैगनैटिक फील्ड फाइंड आउट करना, तो थानू दिमाग च रहना चाहिए कि एम्पीयर सर्क्यूटर लॉ का कंसर्न तो क्लोज्ड पाथ नाल है। और दूसरी गल बेटा कि जेड़ा पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन है वो क्लोज्ड पाथ के उपर आना चाहिए। और तीसरी गल कि जेड़ा क्लोज्ड पाथ है उदी नेचर बेटा सर्कुलर भी हो सकती है, रैक्टेंगुलर भी हो सकती है, एनी आर्बिट्रेरी शेप भी हो सकती है। हुण जदों तुसी क्लोज्ड पाथ दी नेचर दी गल करते हैं, शेप दी गल करते हैं, तो एक्चुअली वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ प्रॉब्लम दे। हुण जदों तुसी नेचर ऑफ प्रॉब्लम दी गल करते हैं, तुसी देखिया सी कि गॉस लॉ जदों असी अप्लाई कीता सी ना फर्स्ट यूनिट च टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डिफरेंट केसिस, तो तुसी नोट किया कि अलग अलग केसिस दे विच जो क्लोज्ड सरफेस है उदी शेप प्रॉब्लम दे अकॉर्डिंगली अलग अलग से है ना। और सेम कंसैप्ट इत्थे आएगा बेटा। हुण क्योंकि साडे सिलेबस दे विच लिमिटेड नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, तो असी हर केस दे विच क्लोज्ड पाथ दी शेप केड़ी है वो याद रख सकते हैं। और सोलिनॉइड दे केस च बेटा जदों आपां सोलिनॉइड दे केस च मैगनैटिक फील्ड फाइंड आउट करना यूजिंग एम्पीयर सर्क्यूटर लॉ, तो तुसी याद रख लेना कि तुसी जिहड़ी क्लोज्ड पाथ दी शेप लेनी है ना सोलिनॉइड दे केस च वो रैक्टेंगुलर पाथ लेना, रैक्टेंगुलर पाथ। तो रैक्टेंगुलर पाथ A, B, C, D, तो रैक्टेंगुलर पाथ कंसिडर कर लेना बेटा। और नाल तुसी रैक्टेंगुलर पाथ की लेंथ मान लेनी है L, कि मान लो कि ये जो रैक्टेंगुलर पाथ असी सोलिनॉइड के केस च ड्रॉ किया वो लेंथ L है उसकी। हुण इन्ना करन तो बाद तुसी सब तो पहला की लिखना बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुसी लिखना यूजिंग एम्पीयर्स सर्क्यूटर लॉ तुसी मैग्नेटिक फील्ड दी लाइन इंटेग्रल दी वैल्यू लिख लेने। और आपां बेटा ये जिहड़ा एम्पीयर सर्क्यूटर लॉ यूज कर रहे हैं ये किहड़े क्लोज्ड सरफेस लई यूज कर रहे हैं, A, B, C, D, A, तो इतने आप लिख सकते हैं A, B, C, D, A। हम बेटा ये जो क्लोज्ड सरफेस है ना क्लोज्ड पाथ है ना A, B, C, D, A, तो अगर तुसी ध्यान नाल देखो ये क्लोज्ड पाथ फोर चार ओपन पाथ सो मिलके बने हैं। पहला ओपन पाथ है A, B, B, C, सी डी एंड डी ए। तो आपां की कह सकते हैं कि जिहड़ा क्लोज्ड पाथ है उहदे उपर लाइन इंटैग्रल ऑफ मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू दे लई ये जिहड़े फोर ओपन पाथ्स है ना ए बी बी सी सी डी एंड डी ए इन्हां दी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आपां की लिखना उत्तर कि इस स्टैप तो बाद तुसी
हुण तुसीं की करना बेटा, हर ओपन पाथ दे उपर लाइन इंटैग्रल दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उदे लई तुसीं सब तो पहला ए बी नू कंसीडर करना, इनू कंसीडर करना। हुण जदों इनू कंसीडर करना ना, तो थोड़ी सारी अटेंशन ए बी पाथ ते होनी चाहिए है बेटा, सिर्फ ए बी वल ध्यान देना। हुण जिहड़ा थोड़ा ए बी पाथ है, एक तो स्ट्रेट है, तो ए बी पाथ जिहड़ा स्ट्रेट पाथ है, वैसे तो कोई भी पाथ होए उहदे उपर डी एल वैक्टर की डायरेक्शन असी हमेशा किधर नू लैनी है, अलोंग द टेंजेंट। बट स्ट्रेट पाथ दे उपर अलोंग द टेंजेंट का मतलब अलोंग द स्ट्रेट पाथ, तो इहदा मतलब थोड़े इस केस दे विच ए बी दे उपर डी एल वैक्टर की डायरेक्शन ए टू बी है, और बी सी दे केस च और सी डी दे केस च और डी ए दे केस च, तो याद रखना बेटा किसी भी पाथ के उपर डी एल वैक्टर की डायरेक्शन बेसिकली तो अलोंग द टेंजेंट होंगी है, पर स्ट्रेट पाथ के उपर टेंजेंट अलोंग द स्ट्रेट पाथ ही आ जाता ना, तो जिस कारण करके ये डी एल वैक्टर की डायरेक्शन आप हर पाथ के लिए सैपरेटली मैनशन करती, ताकि अपलाई करते वक्त असी ईजली कंकलूजन निकाल सकी। देखियो ध्यान, हुण बेटा जिहड़ा थोड़ा पाथ ए बी है ना पुत, ए सोलेनॉइड के अंदर है, और इस सोलेनॉइड के अंदर मैगनैटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस है, मतलब जिहड़ा ए बी पाथ है उस पाथ के लिए डी एल वैक्टर एंड बी वैक्टर दोनों सेम डायरेक्शन है, तो जिस कारण करके आ फार्मूला जिहड़ा कॉस जीरो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉस आता ना बेटा कॉस थीटा, तो थीटा जीरो डिग्री है, हुण इत्थे तक आ गए। हुण इहदे तों बाद अगला स्टेप की है, क्योंकि आपां क्या होया वी इह आर्टिकल असी किहड़ी सोलेनॉइड लई कर रहे हैं, आइडियल सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड के अंदर मैगनैटिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है ना, तो मैगनैटिक फील्ड इंटेंसिटी भी यूनिफॉर्म है, उसका मैगनीट्यूड भी कॉन्सटेंट है, सेम है, तो बी कॉन्सटेंट होने करके तो जिहड़ा बी है ना इहनू आपां इंटीग्रेशन साइन चो बाहर कढ के बेटा, हुण आ जिहड़ा पोर्शन है आ वाला, तो इहदी वैल्यू की है बेटा, तो इहदी वैल्यू की होंदी डी एल नू इंटीग्रेट करन दा मतलब होंदा टोटल लेंथ, किहदी टोटल लेंथ ए टू बी। हुण तुसीं देखो डायग्राम च जो ए टू बी है ना वो स्ट्रेट लाइन है, और उहदी टोटल लेंथ स्मॉल एल है, इहदा मतलब आपां इहदी जगह ते की लिख सकते हैं, तो इट मीनस बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी दा आंसर बी एल आ गया। हुण इहदा इहदे हुण जदों तुसीं बी डॉट डी एल बी टू सी इहदी गल करते हैं, हुण तुहाडा सारा ध्यान बी सी इत्थे होना चाहिए। हुण तुसीं देख ही रहे हैं बेटा जिहड़ा बी सी है ना उहदा डी एल वैक्टर और मैगनैटिक फील्ड 90 डिग्री ते है, परपेंडिकुलर है, तो कॉस 90 जीरो, तो और सी डी लई हुण ध्यान दियो बेटा जिहड़ा तुहाडा सी डी पाथ है ना, सी डी पाथ, तो इहनू ध्यान नाल गौर नाल देखो, ये पाथ सोलीनाइड के आउटसाइड है, बाहर है, तो सोलीनाइड के आउटसाइड सोलीनाइड के बाहर मैगनैटिक फील्ड जीरो, तो इहदा मतलब ये जिहड़ा सी डी है ना इहदे लई बी जीरो होण करके सारा जीरो है ना बेटा। ते हुण आ जाओ डी ए लई, तो ए जीरो क्यों आ गया, अगेन थीटा 90 डिग्री है, 90
डीएल अभी जीरो है बेटा, अभी जीरो है, अभी जीरो है ना, तो इज इक्वल टू इतने तक बेटा समझ आई है थोनू। अर्शिया गुलाटी लक्ष्य मानसी ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ कंपटीशन एज वेल एज स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हम बेटा देखो हम आई एन क्लोज दी वैल्यू कंसीडर करनी है बेटा, आई एन क्लोज हम थानू याद होएगा जब मैं कल थानू एमपीएर सर्किट लॉ बारे दस रहा सी कि एक्चुअली आई एन क्लोज इन एम्पीयर सर्क्यूटर लॉ के ना करंट होता थानू दसिया है ना कि आपां क्योंकि एम्पीयर सर्क्यूटर लॉ नू अप्लाई करते हैं ओवर ए क्लोज्ड पाथ, तो जेड़ा भी क्लोज्ड पाथ है वो बेसिकली एक सरफेस की बाउंड्री है, एक सरफेस की बाउंड्री है क्लोज्ड पाथ। हुण वो जेड़ा क्लोज्ड पाथ है बेटा क्योंकि वो सरफेस की बाउंड्री है, तो आई एन क्लोज का मतलब होंगे कि क्लोज्ड पाथ जिस सरफेस की बाउंड्री है उस सरफेस के थ्रू पीयर्स होके है ना जिन्ना करंट विचों दी सरफेस चो लंघ के जा रहा। हुण बेटा इत्थे जिहड़ा आई एन क्लोज्ड है वह क्यों है, हुण गल नूं ध्यान नाल सुनियो। सब तो पहला इत्थे याद रखो कि आपां कहा कि जिहड़ी सोलेनॉइड है ना उहदे च करंट आई है, हुण इह जिहड़ा आई करंट है ना सोलेनॉइड का एक इस सोलेनॉइड की ईच टर्न हर टर्न चो लंघ के जा रहा, हर टर्न चो पास कर रहा। और इतने बेटा हम ध्यान रखना जिदा आप सैकेंड यूनिट पढ़ते हैं ना, सैकेंड यूनिट चो तुसी एक सिंबल देखिया सी स्मॉल एन, स्मॉल एन और स्मॉल एन उत्थे की रिप्रेजेंट कर रहा सी सैकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी च, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्जिस, नंबर ऑफ फ्री चार्जिस पर यूनिट वॉल्यूम। और तुसी की देखिया सी कि सैकेंड यूनिट जो स्मॉल एन का सिंबल है ना वो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जिस नू रिप्रेजेंट कर रहा सी, नंबर ऑफ फ्री चार्जिस पर यूनिट वॉल्यूम। और तुसी की देखिया सीगा कि जिन्ने ज़्यादा फ्री चार्जिस है, जिन्ने ज़्यादा फ्री चार्जिस है ना पर यूनिट वॉल्यूम, तो उन्ना वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सी। पर इत्थे बेटा हुण ध्यान देना है, तो इत्थे भी इस आर्टिकल च भी असी सोलेनॉइड दे नाल स्मॉल एन यूज करते हैं, बट इतने स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब अगर लेंथ यूनिट है वन है तो उस वन लेंथ दे विच कुल कितनियां टर्न्स है सोलेनॉइड दियां, एन टर्न्स है, स्मॉल एन टर्न्स। अच्छा हुण देखो बेटा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈ ਐਨ ਕਲੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਆਈ ਐਨ ਕਲੋਜ਼ ਕੱਢਣਾ, ਹੁਣ ਆਈ ਐਨ ਕਲੋਜ਼ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇਸ ਰੈਡ ਕਲਰ ਦੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਾਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਐਨਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡ ਕਲਰ ਦੀ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਾਥ ਵਾਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਰਫੇਸ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲੇਨਾਈਟ ਦੀਆਂ ਟਰਨਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਟਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਆਈ ਹੈ, ਤੋ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਰੈਡ ਕਲਰ ਦੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਨਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਨਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਟਰਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਹੈ, ਤੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਓਬਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਐਨ ਕਲੋਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰਿੰਗ ਹੈ, ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਈਚ ਟਰਨ ਸਰਕੂਲਰ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੈ, ਤੋ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਾਥ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ
लंघ रही है इदा है ना, तो उदे करके टोटल करंट है आई एनक्लोज्ड। हुण तुसी समझ जाओ क्योंकि स्मॉल एन आपा की लिया बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब अगर लेंथ 1 है तो उदे च नंबर ऑफ टर्न्स है स्मॉल एन, पर साडे रेक्टेंगुलर पाथ दी लेंथ किन्नी है स्मॉल एल, तो इहदा मतलब कुल किन्नीआं टर्न्स है जिहड़ीआं इस रेक्टेंगुलर पाथ दे विचों दी लंघणगीआं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पासिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द रेक्टेंगुलर पाथ ए बी सी डी ए, तो वो आ जाएंगे बेटा एन इंटू एल। तो n क्योंकि स्मॉल n की है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब यूनिट लेंथ है तो नंबर ऑफ टर्न्स उसचो पास करेंगी है स्मॉल n, ये साडे रेक्टेंगुलर पाथ दी लेंथ स्मॉल l है तो नंबर ऑफ टर्न्स n इनटू l हो जाएगा यूनिटरी मेथड। हुन हर टर्न च क्योंकि करंट आई है तो इस करके बेटा i एनक्लोज्ड आ जाएगा n l i, और आ वाली वैल्यू जब हम अपन इथे पुट करेंगे तो BL is equal to mu naught NLI, LL कटेगा पुत्र, तो जो B है ना B की वैल्यू आ जाएगी mu naught तो ए बेटा साडा रिजल्ट ऑब्टेन हो गया किदे लई मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट विद इन द सोलेनोइड, सोलेनोइड मींस आइडियल सोलेनोइड। और ये तुसी की देख रहे हैं तो देखो बेटा आज तक तुसी थर्ड यूनिट जिन्हें भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करन दी एक्सप्रेशंस डिराइव किते हैं हर एक्सप्रेशन दे विच बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। और दूजी गल देखो इत्थे सोलेनोइड दे केस कि जो बी दी वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्नस पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्नस पर यूनिट लेंथ दे डायरेक्टली प्रपोर्शनल है। और म्यू नॉट की है पुत्र, म्यू नॉट की है थानू याद होएगा कि म्यू नॉट मैग्नेटिज्म छ है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, तो ये उदा ही है जिस तरह फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्साइलन नॉट यूज करते हैं तो वैक्यूम दे लई या फ्री स्पेस लई। पर थानू याद होएगा बेटा कि जिस तरह परमिटिविटी की वैल्यू डिफरेंट मीडिया लिए डिफरेंट है उसी तरह नाल परमेबिलिटी की वैल्यू भी मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू भी डिफरेंट मीडिया लिए डिफरेंट है। और इत्थे असी ये मन के चलते हैं कि जिहड़ी सोलेनोइड है ना उहदे अंदर वैक्यूम है फ्री स्पेस है या एयर है, क्योंकि जिस तरह रैलेटिव पर सॉरी जिस तरह परमिटिविटी की वैल्यू इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की वैल्यू एयर दे लई सेम ही है अप्रोक्सीमेटली सेम ही है जो वैक्यूम लई है ना, उसी तरह याद रख लेना कि एयर दे लई भी मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट की वैल्यू सेम ही है, मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी वैक्यूम लई ते एयर लई अप्रोक्सीमेटली सेम ही है लगभग सेम ही है एग्जैक्टली तो नहीं बट आलमोस्ट सेम ही है। तो इस करके एयर दे लई भी बेटा असी मैग्नेटिक परमेबिलिटी का सिंबल म्यू नॉट ही यूज करते हैं, बट एक गल याद रखो बेटा कि जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है ना वो डिफरेंट मीडियम लई उहदी वैल्यू डिफरेंट होती है। तो जदों असी मैगनेटिज्म की गल करांगे इसे ही यूनिट का नैक्सट पार्ट आएगा तो तुम नोट करोगे कि असी ब्रॉडली है ना मटीरियल्स नू ना तीन कैटेगरीज डिवाइड करते हैं मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली, नाम सुने ही होने केमिस्ट्री च डायामैग्नेटिक सबस्टांसिस पैरामैग्नेटिक सबस्टांसिस फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसिस, और ये अपन लेटर ऑन पढ़ांगे भी मतलब आफ्टर से 6 or 7 days कि जो बेटा डायामैग्नेटिक सबस्टांसिस है ना डायामैग्नेटिक सबस्टांसिस दी मैग्नेटिक परमेबिलिटी दी वैल्यू म्यू नॉट तो लैस दैन है,
जो पैरा एंड फैरो है ना उन्हां दी मैगनेटिक परमेबिलिटी दी वैल्यू म्यू नॉट तो ज़्यादा होंगी है, ग्रेटर दैन होंगी है ना, ये आप लिखांगे भी। बट इतने बेटा आप याद रख रहे हैं कि जिहड़ा असी सोलेनाइड का आर्टिकल किया ना, इतने असी ये मन के चलते हैं कि सोलेनाइड के अंदर एक वैक्यूम है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस है या एयर है, जिस करके सोलेनाइड के अंदर मैगनैटिक फील्ड की एक्सप्रैशन लई असी म्यू नॉट एन आई जिहड़ा यूज़ किया ना, म्यू नॉट वैक्यूम के होने करके है। तो हुण बेटा ये तो सी रिगार्डिंग एक्सप्रैशन फॉर मैगनैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विद इन आइडियल सोलेनाइड। तो आइडियल सोलेनाइड के अंदर ना बेटा एक एंड तो लैके दूसरे एंड तक हर जगह पर मैगनैटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैगनीट्यूड सेम रहता और डायरेक्शन तो अलोंग द एक्सिस ही है। बट रियल सोलेनाइड के केस चेता नहीं होंगे। तो रियल सोलेनाइड का जस्ट रिजल्ट ही याद रखना वा, क्योंकि डेरीवेशन जी है वो आइडियल सोलेनाइड के लिए ही सानू सिलेबस का पार्ट है। तो उदे लिए बेटा आपां हुण ग्राफ ड्रॉ कर लैने आ। तो इनू ड्रॉ करियो, देखो बेटा, तो आ है आइडियल सोलेनोइड, वन एंड टू अदर एंड, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है, तो वन एंड टू अदर एंड, एक एंड को लेके दूसरे एंड तक बी सेम ही है बेटा, और कितना वा म्यू नॉट एन आई। बट रियल सोलेनोइड के केस बेटा जो तो आप देखा ना, अगर ये रियल सोलेनाइड है तो यह सिर्फ सेंट्रल पोर्शन च ही, कुछ हिस्से च ही मैग्नेटिक फील्ड होएगा म्यू नॉट एन आई सेंट्रल पोर्शन, और एंड तक आते आते बेटा रियल सोलेनाइड के केस च एंड तक पहुंचते पहुंचते जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू म्यू नॉट एन आई बाय टू हो जाएगी, कि जो सोलेनाइड है ना उस किसी भी सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन की है, अगर तो आइडियल है तो एक तो लैके दूसरे एंड तक हर पॉइंट पे बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई है। पर अगर सोलेनाइड रियल है तो सिर्फ रियल सोलेनाइड के सेंट्रल पोर्शन च ही मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई है, एंडस तक आते आते उसकी वैल्यू म्यू नॉट एन आई बाय टू हो जाएगी। तो ये रिजल्ट्स है जेडे तुसी याद रखने हैं ना। तो